नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। जो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स के बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। इस बुक में आपको ईयर वाइज और सेट वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, जिसमें आपको 2018 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन को कवर किया गया। इस बुक में साथ में ये भी बताया गया है कि कौन से एग्जाम से कितने कितने क्वेश्चन को कवर किया गया। जैसे रेलवे एनटीपीसी स्टेज वन के एग्जाम से 129 सेट है, स्टेज टू के एग्जाम से 18 सेट, ग्रुप डी के एग्जाम से 40 सेट है, एएलपी के एग्जाम से 30 सेट है, एएलपी स्टेज टू के एग्जाम से 9 सेट है, एसआई से 9 सेट है, कांस्टेबल से 19 और एएलपी जीडीसीई जो रेलवे का इंटरनल एग्जाम होते हैं वहां से 1 सेट आपको देखने को मिलेंगे। 255 सेट है दोस्तों किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। टीसीएस से एग्जाम लेता है तो टीसीएस के सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है इस एक बुक के अंदर। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों ₹525 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। बुक का कोड आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाएगा 4859 केपी, ठीक है। अदर बुक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 696 पेज है दोस्तों इस बुक के अंदर। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो ये पहला पेज है। सबसे पहले आपको एक कूपन कार्ड देखने को मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं इस बुक के क्वेश्चन का, ठीक है। सारा स्टेप्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों रेलवे मैथ्स के लिए, और इनके और भी बुक आते हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ₹525 एमआरपी, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। आगे दोस्तों देखेंगे सेट से, यहाँ पे सबसे पहले ईएलपी का सेट को कवर किया गया है, फिर एसआई, उसके बाद कांस्टेबल, एनटीपीसी स्टेज वन, स्टेज टू, सीबीटी टू, उसके बाद यहाँ ग्रुप डी और सबसे लास्ट में जीडीसीई। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हाइब्रिड मोड में तैयार किया गया, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए कूपन कार्ड दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एएलपी परीक्षा जो आरआरबी एएलपी 9/8/2018 प्रथम पाली के यहाँ क्वेश्चन है, तो इस बुक को लेने का ये फायदा होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जैसे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स का क्या लेवल होता है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स का क्या लेवल होता है, ग्रुप डी में मैथ्स का क्या लेवल होता है, तो एग्जाम वाइज आप मैथ्स के क्वेश्चन के लेवल की पहचान कर सकते हैं, मतलब सटीक तैयारी हो सकती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एएलपी में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो डिटेल सॉल्यूशन है वो दोस्तों काफी इजी और काफी सिंपल वे में हर एक स्टेप को कवर करके इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। इसी तरह से आगे आपको सेट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप दोस्तों देख लीजिएगा इसके क्वेश्चन के लेवल, और सभी रियल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये बुक दोस्तों आपके पास होना चाहिए और इस बुक को आपको बिल्कुल लेना चाहिए। बुक दोस्तों बहुत ही शानदार है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। ये एनटीपीसी का ये सेट्स है जिसमें 1/3/2021 है, और यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों आप देखेंगे 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है, रीजनिंग के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं इस सेट में, तो जरूरी नहीं है। जैसे वेटेज जो होता है 30-30 का होता है, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक का एग्जाम है तो एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बुक दोस्तों काफी अच्छा है, इस बुक से आप काफी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब ये ग्रुप डी का सेट है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, हालांकि मैथ्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, बट यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में। ये टेक्निकल एग्जाम होता है ग्रुप डी का, तो इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इनके और भी बुक होते हैं जिनको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सेम ये मैथ्स का बुक हो गया दोस्तों, 255 सेट है, उसके बाद ये रीजनिंग का बुक हो गया, उसके बाद ये सामान्य विज्ञान का बुक हो गया, उसके बाद सबसे लास्ट में सामान्य अध्ययन के, मतलब इनके टोटल अगर हम बात करें तो 4 बुक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल यहां से दोस्तों देखेंगे तो 4 बुक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों बुक को आपको लेना चाहिए, तभी आप परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं और आपको एग्जाम का सही लेवल पता चल सकता है, ठीक है ना। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। थैंक यू।